गाइस आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और एक वीडियो में। जो मेन सवाल था आप लोगों के मन में कि लद्दाख का बजट कितना, क्या कॉस्ट रहता है, तो उसके ऊपर तो वीडियो बना दिया। एक सवाल मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में मेरा पूछा था कि आपका जो जो डाउट्स है पूछो नीचे, तो उसका जवाब दूंगा। तो ये वीडियो है लद्दाख का Q&A वीडियो, जिसमें आप लोग जो क्वेश्चन पूछे हो उसका आंसर मैं दूंगा, ताकि आप लोग जब ट्रिप करोगे तो आपको इजी हो जाएगा। तो गाइस चलो शुरू करते हैं लद्दाख का Q&A। तो इंस्टाग्राम में चंद्र दत्त कर कोई पूछ रहे हैं, व्हाट आर द परमिट्स एंड पासिस नीडेड, सेकेंड थिंग इज़ बजट। तो बजट के बारे में तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। और ये जो है परमिट्स और पासिस, तो परमिट आपको एक चाहिए फी अगेंस्ट इकोलॉजी, तो एनवायरमेंट फ़ी और वाइल्ड लाइफ फ़ी मिला के एक देना पड़ता है, वो आप ऑनलाइन दे सकते हो या फिर DC ऑफिस जाके लेह में दे सकते हो। पासिस ऐसे कुछ नहीं चाहिए आपको, बस परमिट होगा तो हो जाएगा। उसके साथ आपका बाइक का पेपर चाहिए, क्योंकि वहाँ पे खारदुंगला वगैरह में या फिर आप जब हिमाचल से लेह क्रॉस मतलब लद्दाख में इंटर करते हो सारचू में, तो वहाँ पे आप लोगों का चेक होगा कि आपका खुद का बाइक है या फिर रेंटेड बाइक है। तो गाइज यहाँ पे यश भाई पूछते हैं, ओडिशा टू लेह बाइक जाने में पर डे प्राइस कितना रहता है। तो भाई देखो, मैंने तो बजट वीडियो बना ही दिया है, तो आपको अगर आइडिया दूँ तो खाने का 400 to 450 rupees और स्टे का वही 700 to 800 rupees पर पर्सन, तो पर डे 1200 रुपये। और जो फ्यूल का कॉस्ट है, पेट्रोल का कॉस्ट, वो डिपेंड करता है आप कितना ट्रैवल करते हो। अगर आप 200 किलोमीटर ट्रैवल करोगे उसी हिसाब से आपका बजट आएगा उस दिन का फ्यूल का। अगर आप 700 जाओगे तो उसी हिसाब से जाएगा। तो अभी उपेंद्र देव पूछते हैं, हाय ब्रो, डू यू नीड एनी मेंटल एंड फिजिकल प्रिपरेशन फॉर द ट्रिप। तो फिजिकल का तो इतना मतलब ज़्यादा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि आप पूरा अगर स्ट्रांग रहोगे तो जा पाओगे, नॉर्मल फिजिक आपका रहेगा तो जा पाओगे, तो अच्छा रहेगा, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर लो। तो ट्रिप जाने से पहले हम लोग थोड़ा साइकिलिंग वगैरह किए थे 2-3 महीने ट्रिप से पहले। और मेंटल प्रिपरेशन वही बोलूँगा कि आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहो, जैसे बजट वीडियो में बोला था कि आपको खाना इतना अच्छा नहीं मिलेगा, एवरेज खाना मिलेगा, तो जो भी मिलेगा उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। और जो स्टे मिलेगा वो भी आप जो सोच रहे हो, जैसे सिटी में आप लोग सपोज 1500 rupees में जैसा रूम मिलता है वैसा एक्सपेक्ट मत करना। तो एक्सपेक्टेशन लो रखना खाने का और स्टे का, नेचर को देखना, एरिया को एंजॉय करना, तो बहुत ही पीसफुल रहेगा आपका ट्रिप। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यश भाई वही पूछ रहे, विथ 125 cc बाइक। देखो भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका फ्यूल कितना दिखाता है बाइक, उस हिसाब से आपको पता चलेगा। तो AI गेमिंग टोटल कॉस्ट फॉर द ट्रिप, तो अमित भाई भी टोटल कॉस्ट फॉर द ट्रिप। तो ये क्वेश्चन तो मैंने आंसर कर दिया है प्रीवियस वीडियो में, बजट का वीडियो में। अभी माई टैलेंट कोई पूछ रहे हैं, व्हाट आर द प्लानिंग वी हैव टू डू बिफोर गोइंग फॉर द ट्रिप। तो प्लानिंग एज इन आपको डिसाइड करना कि आप कौन सा रूट लोगे। देखो दो रास्ते हैं, एक है वाया श्रीनगर ले हाईवे और दूसरा जो है मनाली ले हाईवे। तो आपको डिपेंड करता है कि आप कौन से रास्ते से जाना चाहते हो। तो हम लोग गए थे श्रीनगर ले से, रिटर्न किए थे मनाली ले हाईवे से। और उसके साथ साथ कौन कौन से जगह आपको कवर करना है, खारदुंगला पास वगैरह जाओगे तो नुब्रा वैली में बहुत लोग क्या करते हैं कि नुब्रा में जो हुंडर सैंड ड्यून्स है वो सब घूम के वापस चले जाते हैं, लेकिन हम लोग गए थे पूरा इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर विलेज, तुरतुक थांग वो सब। तो वो डिपेंड करता है कि आप थोड़ा देख लेना मेरा वीडियो, आपको पता चल जाएगा सब जगह के बारे में ऑलमोस्ट। तो डिसाइड कर देना कौन कौन से जगह जाना है, उस हिसाब से आपका ट्रिप प्लान करना। तो टोटल कॉस्ट ऑफ द ट्रिप, चंदन भाई देवाशीष सेठ सेम, हाउ मच मनी रिक्वायर्ड, वो तो आंसर कर दिया हम बजट वीडियो में। तो ट्रैवल विथ MS ये ODI में लिखते हैं, लद्दाख जाने कौन कौन डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, और उसके साथ साथ परमिशन लेना चाहिए क्या उड़ीसा गवर्नमेंट से, और कितना क्या कॉस्ट। चलो कॉस्ट का तो मैंने बजट वीडियो बना दिया है। और ये जो पूछ रहे कि उड़ीसा गवर्नमेंट से परमिशन, नहीं भाई ये पूरा इंडियन टेरिटरी है, तो कोई किसी गवर्नमेंट से भी कुछ परमिशन नहीं चाहिए। और कागज़ के बारे में पूछे थे कि क्या क्या लेके जाना पड़ेगा, तो आपका ID प्रूफ लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि होटल्स वगैरह में स्टे करोगे तो वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। और जो परमिट निकलता है, जो इकोलॉजी फ़ी आप देते हो एनवायरनमेंट का, तो उसके लिए भी आपको चाहिए होगा आपका एक ID प्रूफ जो दिखा के आप दे सकते हो, क्योंकि फॉरेनर हर जगह अलाउड नहीं है, जो सब इनर एरिया है जैसे कि हानले हो या फिर आपका थांग वगैरह हो। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आपका जो ID कार्ड वगैरह हो, और बाइक का RC लेके जाना, इंश्योरेंस वगैरह, क्योंकि वहाँ पे यूनियन के बीच में कुछ पंगा चल रहा है लद्दाख का और हिमाचल का, तो वहाँ पे आप लोगों का सब बाइक का पेपर चेक होगा कि खुद का बाइक है या फिर किधर से रेंट लेके आए हो। और एक रूल वो लोग स्ट्रिक्ट बनाए कि वो जो बाइक होगा वो आपका खुद के नाम पे होना चाहिए, या फिर ओन ब्लड रिलेटिव, जैसे कि खुद के पिताजी या फिर खुद के भाई या फिर खुद के मम्मी
मतलब सेम सरनेम और सेम ब्लड रिलेटिव होना चाहिए, तो वो चीज़ के लिए आपको कैरी करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट बाइक वगैरह का। और कान्हू चरण भाई बोल रहे कुछ डाउट नहीं, थैंक यू कान्हू भाई। कान्हू भाई का सब वीडियोस देख के, फुल वीडियोस देख के डाउट क्लियर रहे हो गया है, उनका कुछ क्वेश्चन नहीं है। और बिग्नेस प्रियदर्शन भी पूछ रहे डॉक्यूमेंट और कॉस्ट के बारे में, वही सेम चीज़ रिपीट करना नहीं चाहता हूँ। तो सुभाशीष भाई पूछ रहे कि अगर फैमिली के साथ जाना है तो हर जगह तो फैमिली को लेके नहीं जा सकते, जैसे कि बहुत ऑफ रोड रहता है, सिक्लूडेड एरिया रहता है, इतना प्रॉपरली रोड वगैरह बना नहीं है, तो कौन कौन से जगह जो कि आराम से कवर हो पाएगा फैमिली के साथ। तो मैं आपको बोलूँगा आप अगर चाहो तो श्रीनगर लेह हाईवे लो या फिर मनाली लेह हाईवे, तो दोनों तरफ से आप आराम से जा सकते हो। उसके बाद लेह में घूम सकते हो, लेह से खारदुंगला पास, उसके बाद नुब्रा, और नुब्रा से आप तुर्तुकथांग वगैरह भी फैमिली के साथ कार में आराम से जा सकते हो। रोड बहुत ही सही बना हुआ है और वहाँ पे भी ट्रैफिक क्राउड वगैरह रहता है, तो वो सब एरिया कवर कर सकते हो। और पैंगोंग लेक वो तो मेन चीज़ है भाई, बहुत ही ब्यूटीफुल है। मेरक एक जगह है, वहाँ पे जाना, आपको पूरा रियल ब्यूटी मिलेगा, थोड़ा कम क्राउड होगा। और पैंगोंग लेक के बाद रास्ता इतना अच्छा बना नहीं है, एक दो साल में बन जाएगा, अगर चाहो तो जा सकते हो, वरना इतना सब जगह आप कवर करके वापस आ सकते हो। तो हानले, उमलिंगला, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अगर चाहो तो जा सकते हो, वरना ये सब एरिया कवर कर सकते हो। सिस्टम हैक कर कोई पूछ रहा है टोटल एक्सपेंडिचर, वो तो बना दिया। स्वयंजीत मिश्र पूछ रहे व्हाट पेपर वर्क आर रिक्वायर्ड फॉर दिस ट्रिप। तो स्वयंजीत भाई, जैसे कि बताया कि आपका बाइक का आरसी चाहिए, आईडी प्रूफ चाहिए, और वहाँ पे लेह में जाके एक एनवायरनमेंट फ़ी देना पड़ता है, वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी फ़ी। तो एनवायरनमेंट फ़ी के बारे में मैं बता देता हूँ, एक वेबसाइट है LAHDC ले, तो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो वेबसाइट में जाना और वहाँ पे ऊपर एक 3 डॉट सिलेक्ट करके डोमेस्टिक सिलेक्ट करना, तो आपको मिल जाएगा फॉर्म। आप भर्ती करते जाओगे तो आपको पता चलता जाएगा। तो हम लोगों ने किया था 9 दिन के लिए परमिट लिया था, पर पर्सन पर डे 20 रुपीज़। तो हम लोग 9 डेज लिए थे, इसलिए 2 लोग थे, तो 18 × 2 = 360 रुपीज़ वाइल्ड लाइफ फ़ी आया था। उसके साथ साथ एक एनवायरनमेंट फ़ी रहता है, तो वो आपको 400 रुपीज़ पर पर्सन देना पड़ता है। हम लोग 2 लोग थे तो वो 800 रुपीज़ आया। तो टोटल जो हम लोगों का इकोलॉजी का फ़ी का कॉस्ट आया वो 1160 रुपीज़ है। आप अगर चाहो, रेड क्रॉस का एक फ़ी है, वो ऑप्शनल है, अगर देना चाहो तो दे सकते हो। प्रिंस प्रसाद गुप्ता, ये क्वेश्चन मेरे को पर्सनली बहुत ही बढ़िया लगा। तो प्रिंस भाई पूछ रहे कि हेलो ब्रो, आई एम फ्रॉम उड़ीसा रौरकेला एंड माई क्वेश्चन इज़ हाउ डिड यू कन्विंस योर पेरेंट्स फॉर द लद्दाख ट्रिप। तो ये बहुत ही मुश्किल सवाल है, इसका जवाब देने के लिए मैं आपको बताने जाऊँ तो आप लोग मेरा चैनल पिछले 2 साल ऐसे से देखो, हिस्ट्री देखो चैनल का, तो मैं छोटा छोटा ट्रिप्स करता रहता हूँ यहाँ पे उड़ीसा में अपने घर के पास, उसको थोड़ा थोड़ा बड़ा करके मैं 100 किलोमीटर्स 200 किलोमीटर्स का ट्रिप वगैरह किया। उसके बाद उसको बढ़ा के मैं गया था केउंझर वगैरह, फिर बहरमपुर, उसके बाद दीघा करके एक जगह है, उसको थोड़ा और आगे लेके गए हम लोग, वाइजैग गए, फिर उसके बाद कोरापुट गए। तो ऐसे करके बहुत सारे ट्रिप्स किए, उसके बाद कन्विंस किए। पेरेंट्स तो फुल्ली कन्विंस नहीं थे, उनके मन में थोड़ा चिंता रहता है, लेकिन फिर भी इतने सारे ट्रिप करने के बाद कॉन्फिडेंट था कि हाँ ठीक ठाक चलाता है, जा पाएगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और मैं ज़्यादा कुछ पेरेंट्स को बोलता नहीं कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, तो ये चीज़ बोला तो वो थोड़ा, मतलब समझ लो आप लोग थोड़ा छोटा छोटा ट्रिप करो, उसके बाद आगे मांगते जाओ मतलब छोटा छोटा ट्रिप करो, उसके बाद धीरे धीरे कॉन्फिडेंस जीतो, उसके बाद परमिशन मिल जाएगा आपको भी। तो राज प्रोडक्शन भी एक अच्छा क्वेश्चन पूछे, विच इज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस इन बाइक और कार, इन विच वी कैन ट्रेवल ऑल प्लेसेस। देखो भाई, कार हो या फिर बाइक, आप सब जगह सब में जा सकते हो। हम लोग कार वालों को देखा, उमलिंगला पास, हानले, पैंगोंग, वो जो अगोमस्योक रूट वो वाला कवर किए। बाइक में हम लोगों ने भी ऑलमोस्ट सब जगह कवर किया, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किससे जाना चाहते हो, लेकिन मैं बोलूँगा कि बाइक में ज़्यादा मज़ेदार एक्सपीरियंस रहता है। कार में क्या है कि आपका व्यू लिमिटेड रहता है, सपोज आप आगे हो तो आपका आगे का व्यू रहता है, और पीछे वगैरह रहते हो तो साइड का व्यू मिलता है। बाइक में क्या है, आपको पूरा 360 तो नहीं, 180 डिग्री व्यू रहता है, पूरा इधर से लेके इधर तक जो भी दिखता है नज़ारा आप आराम से देख पाते हो, फील कर पाते हो। तो खुद के बाइक में चलाना और जाना वो तो अलग ही एक्सपीरियंस है। बहुत कार वाले मिले तो उनका ड्रीम है बाइक में आना, तो वो कुछ कार वाले बोले कि ऐसे कार में आके देखे, उसके बाद सोचेंगे बाइक में आएंगे। बाइक में एक चीज़ है कि आपको ठंड बहुत लगेगा, उसके लिए प्रिपेयर रहना।
बिकर्न विश्वल वो बजट के बारे में बता दिया ऑलरेडी। तो रोशन पीटी पूछते ब्रो हाउ मेनी टाइम्स डिड यू प्लान फॉर द लद्दाख ट्रिप। तो रोशन भाई बहुत बार प्लान कर चुके हैं पहले, तो एक्चुअली मैं पिछले 4-5 सालों से सीरियस था ये ट्रिप के बारे में। उससे पहले तो बहुत साल पहले, जैसे पहले लोग जाते थे स्टार्टिंग में, तब ब्लॉग्स वगैरह पढ़ता था, तब से मेरा इंटरेस्ट था, लेकिन पिछले 4-5 सालों से थोड़ा सीरियस था लद्दाख के बारे में। और सबसे ज़्यादा सीरीज तो लास्ट साल में थे, तो लास्ट ईयर तो ऑलमोस्ट चले ही जाते। 2020 में भी सीरियस थे, लेकिन वो तो कोविड आ गया था, बहुत पहले पता था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन लास्ट ईयर बहुत सीरियस थे। उसके बाद सितंबर अक्टूबर में भी प्लान था, लेकिन वो भी हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। फॉर्चुनेटली इस बार हो गया। तसी पूछते बजट के बारे में, बजट तो बता ही दिया ऑलरेडी। और AHM व्लॉग्स पूछते सर मैं उड़ीसा झारसुगुड़ा से हूँ, बाइक डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। वही सेम भाई, RC वगैरह चाहिए। तो लॉस्ट डायरीज एक है भाई पूछ रहे प्लीज़ मेंशन द मैप फ्रॉम BBSR टू लद्दाख वे टू स्टैंड ऑन। तो लॉस्ट डायरीज भाई अगर आप मेरा पूरा सीरीज देखोगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि कहाँ पे हम लोग रुके थे और क्या मैप वगैरह पूछ रहे। तो मैप वगैरह भी जानना है तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि हम यहाँ से दिल्ली गए थे, फिर दिल्ली से हमने लिया था श्रीनगर ले हाईवे, उसके बाद मनाली ले हाईवे। तो पूरा सीरीज़ देखोगे 22 तो वीडियो है, मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, नीचे डाल दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा डिटेल में। तो और एक चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि ये जो लद्दाख के बारे में कुछ कुछ शॉर्ट्स वीडियो बनाऊंगा, कुछ कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जैसे कि कौन सा रूट हम लोग लिए थे, कौन सा अच्छा रहेगा, क्या देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे DM वगैरह आते हैं तो वो एक Q&A में कवर करना पॉसिबल नहीं रहेगा। तो आप लोग देखना ज़रूर, मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाऊंगा। तो उसके बाद सूरज भाई पूछ रहे हैं कि विच सीज़न इज़ बेटर फॉर लद्दाख ट्रिप। तो सीज़न जब शुरू होता है मई के महीने में तो वो सबसे बेस्ट रहता है। हम लोग एक्चुअली मई में गए थे, लद्दाख खुलता है मई में और शुरू होता है मेन सीज़न जून में, लेकिन इस साल थोड़ा जल्दी खुल गया था, अप्रैल मिड में खुल गया था और मई परफेक्ट टाइम था जाने के लिए। या फिर अगर आप चाहो तो सितंबर में मॉनसून के बाद जा सकते हो, अक्टूबर में भी जा सकते हो जब बंद होते हैं उससे पहले। गीतांजलि पंडा पूछते भाई खर्चा, तो उसके ऊपर भी वीडियो बना दिया। तो विपन कुमार प्रधान है वॉच एंड वीडियो डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो गाइस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर तो बता दिया कि आपका ID प्रूफ लेके जाओ और बाइक का जो RC डॉक्यूमेंट वगैरह है वो मेन चीज़ लेके जाओ। तो होप करता हूँ कि आपको ये Q&A अच्छा लगा होगा। तो जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछा तो वो सब सवाल देने की मैं कोशिश किया। और भी जो डाउट है आपके मन में, अगर पूरा सीरीज़ देखने के बाद, फुल लेंथ एपिसोड देखने के बाद भी डाउट हो रहा है, नीचे कमेंट में पूछो आप लोग, मैं कोशिश करूँगा आंसर करने के लिए वहाँ पे। या फिर मैं सोच रहा हूँ कि नया एक YouTube शॉर्ट्स ही बना दूँ उसके ऊपर, ताकि आप लोगों को मन में जो सवाल है और दूसरे किसी के मन में भी सवाल होगा तो वो डाउट क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग एक काम करना, चैनल में बीच बीच में आके चेक करना, शॉर्ट्स का वीडियो आएगा तो आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ, ये वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।